खोलना पड़ेगा, बोर्ड खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो भाई ये दिक्कत आ रही है, ये वाला एरर है इसमें, ये देखिए, स्टोरिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोरिंग में टेक अबाउट 3 मिनट्स एरर कोड। ये भाई पहली बार आया, तो 2.5 साल हो गए मेरे। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भाई आज एक प्रॉब्लम आ गई है। रात को सही मशीन बंद करी थी और कैनन की आई AR3326 कलर वाली, और सुबह आया तो देखा एक एरर आ रहा है, और वो भी पता नहीं क्यों है, किस लिए पहली बार देखा मैंने ये एरर। और भाई काफ़ी मतलब सब कुछ करके देख लिया, कई बार तो 10 बार तो मशीन ऑन ऑफ करके देख ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अभी क्या है और पता चलेगा भाई, अगर अगर ये मशीन ठीक हो जाती है तो भाई बताता हूँ कैसे होगी, नहीं होती तो भाई डीलर को बुलाना पड़ेगा, मतलब टेक्नीशियन को, वो ठीक करेगा इसको। अगर आपको कुछ पता है तो भाई बताना, जिससे कि हेल्प हो जाए, पैसे ऐसे बच जाए जो देखने आएगा इसके, क्यों 1000 से 1500 रुपये वो लेते हैं इसको ठीक करने के लिए, आने के लिए, विजिट करने के लिए। तो किसी को पता है तो ज़रूर बताना कि भाई इस तरह से हो जाएगी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर मेरे को पता चल जाएगी भाई कैसे होगी तो उसकी मैं वीडियो डाल दूँगा, जैसे भी जो भी अपने जो भाई हैं जितने भी फोटोकॉपी की जिनके पास ये वाली मशीन है, उनका जो है फ्री में वो काम हो जाए। तो एक बार देखते हैं कैसे है। तो ये अभी मैंने बंद करके फिर चलाई है, थोड़ी गंदी भी हो रही है, कपड़ा मार देते हैं फिर से। और ये कैनन की AR3326 ये वाली। तो भाई अभी ये मैंने ऑन की है, ऑन करने के बाद देखते हैं क्या एरर आता है। भाई इन दिक्कत बड़ी है भाई, जितनी बड़ी मशीन जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा उतने ज़्यादा परेशानी, कभी इसमें कोई एरर आ जाता है कभी कोई सा। तो अभी ये देखिए ये एरर आ रहा है, और एक भाई से मैंने पूछी थी, वो कह रहा है कम्युनिकेशन एरर है कुछ, इसका जो है बोर्ड खोलना पड़ेगा, बोर्ड खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो भाई ये दिक्कत आ रही है, ये वाला एरर है इसमें, ये देखिए, स्टोरिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोरिंग में टेक अबाउट 3 मिनट्स एरर कोड। ये भाई पहली बार आया, 2.5 साल हो गए मेरे को इस मशीन को लिए, और ये एरर कोड मैंने पहली बार देखा है, ना इससे कुछ हो रहा है, ठीक है, ना इससे कुछ हो रहा है किसी से, ना ये चल रहा है, ये देखिए, ना ये, मतलब कुछ भी काम वर्क नहीं कर रहा है इस चीज़ से। पहले जो अलग अलग एरर कोड थे वो सेटिंग करके या कुछ स्कैनिंग कुछ तो चलती थी, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। सब कुछ एक तरह से मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कि सब कुछ बंद हो गया। तो पता चलेगा भाई, अभी टेक्नीशियन को बुलाऊंगा, देखूंगा कि क्या सॉल्यूशन वो निकालता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। तो इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें टेक्नीशियन आएगा और देखूंगा सारा A to Z किस हिसाब से उसको ठीक करके जाएगा, और इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।